योगी सरकार की पहल पर प्रवासी मजदूरों का एक जत्था देर रात कन्नौज पहुंचा। ये सभी मजदूर हरियाणा से देर रात रोडवेज बस द्वारा कन्नौज लाए गए। सभी मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग कर इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। बताते चलें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लाने की योजना बनाई थी, जिसके अंतर्गत देर रात हरियाणा से 83 मजदूरों का एक जत्था रोडवेज बस द्वारा कन्नौज लाया गया। जैसे ही इन मजदूरों का जत्था कन्नौज पहुंचा तो मौके पर प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई और उन्होंने सभी 83 मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग की, जिसके बाद इन मजदूरों में से 78 लोगों को महेंद्र नीलम इंटर कॉलेज में और 5 लोगों को मेडिकल कॉलेज में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। संवाददाता कन्नौज दर्शन राजपूत। आपको ये पता नहीं है कि हम प्रभावित हैं, ये प्रभावित तो कोई नहीं जाता। वो फिट है, आपको लग रहा है कि तो बड़े फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई प्रभावित भी हो सकता है जो आपको प्रसाद दे देगा लेकिन उसको नहीं पता चलेगा। इसलिए समस्या नहीं होगी, वही बात मैं बता रहा था एसडीएम साहब को कि खाने की किसी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो आदमी है उसको खाना अच्छा दिया जाए, खाने की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, खाना साफ सुथरा होना चाहिए, खाना शुद्ध होना चाहिए। खाने में वैरायटी भले कम हो लेकिन खाना शुद्ध और भरपेट मिलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हर हाल में सुनिश्चित कराएंगे। सर, जिनके 14 दिन हो चुके हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? जो 14 दिन जिनके पूरे हो गए हैं, जो हमारे अपने प्रदेश के हैं उनको हमने, जो पहले आए थे हमने भिजवा दिया है, अब जिनके जिनके पूरा हो रहे हैं उनको हम तुरंत भिजवाएंगे उनके जिले में। सरकार का निरीक्षण सर, ये हमारा आश्रय स्थल है महेंद्र नीलम इंटर कॉलेज तिरवा में। रात में यहाँ हरियाणा से 83 आदमी आए हैं, जिसमें 78 आदमी यहाँ रखे गए हैं और 5 आदमी मेडिकल कॉलेज में गए हैं। उन्हीं को देखने आए थे कि ये लोग कैसे हैं, सब की व्यवस्थाएं ठीक है सर। जिन कितने लोग आए सर? ये 78 लोग आए हैं और रेस्ट यहाँ पहले से थे। कुल इस कॉलेज में 131 लोग रह रहे हैं वर्तमान में।